लाइट थोड़ी जी अगे चाहिए पिछे चलेगी ज़्यादा उस हिसाब से देख लियो जो इंट्रूड ना हो कैमरे हाँ जी थोड़े अखा तो नहीं ना पै रही थोड़ी वो तो प्रॉब्लम नहीं ना, 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 ना। नमस्कार दोस्तों आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड मेरे साथ अगेन मुनीश जी जिनको किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है इनके कुछ 9-10 वीडियोस जो हमने डाले हैं उसके कारण मैं बोलूँगा कि इतनी चेतना बढ़ी है लोगों में स्पेशली वॉक्सवैगन ओनर्स जिनके पास एग्जिस्टिंग कार्स हैं एंड दे आर सो हैप्पी क्योंकि जब आपको टेक्निकली पता चलता है चीज़ों के बारे में तो आप उससे और ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देते हो इवन मी ऑल्सो मैं अपनी पोलो 1.2 अभी मैं इनसे बात ही कर रहा था कि उस पर अभी आई एम थिंकिंग टू डू सो मैनी मॉडिफिकेशंस बिकॉज मैं अभी इनकी तरह इनकी वेंटो की तरह उसको बनाना चाहता हूँ जो उसमें कमियाँ पेशी हैं उस पर काम करना चाहता हूँ मैं उसकी वीडियो भी डालूंगा कि क्या क्या उस पर काम होने वाला है ताकि वो बिल्कुल नई जैसी हो जाए 1.20 लाख किलोमीटर चल चुकी है तो कीपिंग दैट असाइड जो टेक्निकल चीज़ें इन्होंने शेयर की है एक एक वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है और ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि YouTube पे नहीं है फॉरेन के चैनल्स पे मे भी हो बट इंडिया में तो नहीं है जिस प्रकार से इन्होंने हर चीज़ की एक एक नंबर एक एक चीज़ की टेक्निकल की मैं बोलूँगा कि उस मटेरियल्स की जानकारी या टेक्नोलॉजी की जानकारी जिसमें इन्होंने क्वाट्रो को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया 1.0 1.5 के फ़र्क को टर्बो को नेचुरली एस्पिरेटेड को मतलब ये इन्फॉर्मेशन अभी लोग फ्लैक्स कर रहे हैं और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं और अच्छी बात ये है कि मेरी जो वर्कलोड है वो शेयर हो गया बिकॉज मनीष जी खुद मैसेजेस को रिप्लाई करते हैं हु इज़ अ राइट पर्सन टू रिप्लाई बिकॉज इन्होंने बात बोली है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज़ रिप्लाइंग और इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है और जैसे आप सब जानते हैं कि वॉक्सवैगन के जो ब्रांड डायरेक्टर हैं आशीष गुप्ता जी उनकी तरफ से भी एप्रिसिएशन जो है हमें एक लेटर आई थी उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने जो इन्होंने एलईडी बल्ब की बात की थी जिसमें हमने नेचुरली एस्पिरेटेड और उसके साथ कंपेयर किया था टर्बो इंजन के साथ जिसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी कि 1000 cc वाला 1500 cc से बेटर कैसे हो सकता है उसकी एप्रिसिएशन में हमें ईमेल भी आई है जिसका वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट मैंने तो वो चीज़ फ्रेम करके अपने ऑफिस में भी लगा दी है तो आज अगेन बट मनीष जी बात यह है कि बात यह है मनीष जी कि देखिए पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत हो गई अभी देखिए हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर ब्रांड में कुछ कमियां होती हैं बिल्कुल नहीं तो ऐसा है कि अगर मार्केट में कस्टमर है तो वो कोई और चीज़ लेगा ही नहीं एग्जैक्टली अभी VW की नॉट ओनली 2.0 कार्स पहली कार्स में भी कुछ कमियाँ पेशियाँ रही होंगी बट अगर मैं 2.0 की बात करूँ आज की ये वीडियो है ही उसी के रिगार्डिंग जो कमियाँ है ना कमियाँ वो खुल के बात उस पर करनी चाहिए जिसके ऊपर बात हो रही है और इश्यूज का हाईलाइट भी किया जा रहा है एग्जैक्टली तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास ठीक है बट मैं चाहता हूँ कि तीन जो हॉट टॉपिक्स हैं जी ये तीन दोस्तों मैं वीडियोस डालूंगा इस पर सेपरेट मुझे लगता है कि एक एसी की बात कर लेते हैं एक ईपीसी की बात कर लें जी एक मैं ब्रेक नॉइस की बात भी करना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2.0 की एक गाड़ी मेरे पास भी है स्कोडा स्लाविया 1.0 एम्बिशन ऑटोमेटिक जिसको अभी तक मैं बहुत खुश हूँ हल्के फुल्के निगल्स हैं वो मैं एक इनके साथ रैपिड फायर वीडियो भी करूंगा उसमें मैं ज़रूर बात करूंगा हल्का फुल्का जो इसकी डोर नॉइस है इसका मोटर की काफ़ी आवाज़ है या एक हल्की फुल्की रैटलिंग थी अभी अभी चली गई है सस्पेंशन भी सॉफ्ट हो गया कीपिंग दैट असाइड 2.0 की पर्सनली मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूं, तो एक इट इज़ अ टेस्टिमनी कि मैं अभी भी इनके प्रोडक्ट्स में बिलीव करता था 5-star रेटिंग भी आ गई आई एम एंजॉइंग माई ड्राइव मैंने परसों भी वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको माइलेज दिखाई है बम्पर टू बम्पर 60 किलोमीटर और 200 किलोमीटर हाईवे पे मुझे 17 के आसपास की एवरेज मिली जाते समय हम 3 लोग थे आते समय 5 थे फुली लोडेड गाड़ी पापा मेरे कहते कि ये गाड़ी तेरी टीरॉक से भी ज़्यादा अच्छी या उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है टीरॉक से भी तो ये चीज़ है लो स्लंग है सेडान है एब्सोल्युटली सेडान का तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने अपने 15 लाख सही जगह पे खर्चे तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई होप हमने टाइम वैसे वेस्ट नहीं किया बिकॉज एक इंट्रोडक्शन तो होती है तो लेट्स गेट स्टार्टेड पहले हम बात करेंगे एसी की जस्ट वन सेकंड तो मनीष जी थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स मेरे पास हैं जिसमें गर्मियों में बहुत परेशान थे लोग एसी से 1.0 खास करके मैनुअल ट्रांसमिशन में या बोल सकते हो कि इसमें 70% तो हो सकते हैं बॉट्स जिनको बस एक चीज़ एग्जैगरेट करनी है VW के अगेंस्ट क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे थे अच्छी इनको सेल्स मिल रही थी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे और डेफिनेटली इनकी डीलरशिप्स कम होने के कारण बाकियों के डीलरशिप्स ज़्यादा होने के कारण एक डीलर टू डीलर सेल्स खाते हैं ब्रांड जैसे 136 हैं सिर्फ VW के तो
साथ वाले को लग रहा होगा जैपनीज वाले को कि यार इसके पास कस्टमर जा रहे हैं, तो मार्केटिंग टीम एक्टिव हो जाती है। 30% जेन्युइन भी थे इसमें, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं कुछ मेरे जान पहचान के हैं सब्सक्राइबर्स, उनको एसी में दिक्कत आई, ब्रांड ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया जी, और इसका समाधान कथित तौर पर बोला जा रहा है कि समाधान हो चुका है। मुझे कोई कॉल नहीं आई स्कॉडा से, और मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ था भी नहीं। मैंने मनीष जी एक वीडियो भी डाली थी जिसमें 5 डिग्री तक जो थर्मोमीटर में इसका टेम्परेचर रह जाता है जब मैं उसको उसके टिप को एसी वेंट में डालता हूँ, और वो टी रॉक का 8.5 से नीचे या 8 से नीचे नहीं आया, वो कैबिन बड़ा है इसलिए भी, बट वो एसी वेंट में था, एसी वेंट ठीक है। बट मुझे दोनों की कूलिंग में मैं बोलूँगा कि स्लाविया की बेटर लगती है, विच इज़ 1.0। मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक पे प्रकाश डालिए जी, आपकी क्या इसमें सारी रिसर्च है, या आप मानते हो कि प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व किया गया, तो ऑल योर्स। ऐसा है कि जो एसी की प्रॉब्लम हाईलाइट हुई थी जो हुआ था, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एसी की प्रॉब्लम थी क्या, कूलिंग का इश्यूज आता क्यों था जी, और उसमें कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे, और जो एक फिक्स दिया था फोक्सवैगन ने या वीएजी ने स्कॉडा के लिए उसके लिए, उसमें क्या किया गया जी। पहले तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये कोई कंपोनेंट का फेलियर था या अंडर परफॉर्मेंस थी, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, और इसलिए हमें थोड़ा सा टेक्निकली इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एसी में क्या सा कंपोनेंट मेन जो इन्वॉल्व रहता है। दोस्तों हमें जो पता है कि एसी का जो मेन जो एक डिसाइसिव फैक्टर रहता है, जो गैस जिसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, उसको कंप्रेस करने के लिए, ठंडा करने के लिए जो अपना कंप्रेसर होता है, वो कि इंजन की ड्राइव शाफ्ट जो रहती है, बेल्ट होती है अलग से, वी बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसके साथ वो होता है, जो हमें नॉर्मल एयर कंडीशनर्स भी उसमें भी एसी जो है कंप्रेसर से ही कूलिंग बनती है, और रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेस होता है और ठंडा होता है बिल्कुल। तो बाकी जो इसका रेफ्रिजरेंट सिस्टम है उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक आपका होता है कंप्रेसर होता है, और आपकी जो लाइंस होती हैं वो एल्युमिनियम की लाइंस होती हैं जो रेफ्रिजरेंट को कैरी करती हैं, और अंदर जो डैशबोर्ड के पीछे जो कूलिंग कॉइल लगी हुई है वहाँ से सर्कुलेट होता है, फिर से वो एक्सपेंड होता है, और फिर से एक्सपेंडेड वो गैसेस फॉर्म में वापस जाता है। तो जो इशू हाईलाइट किया गया इसमें कि एसी की कूलिंग की दिक्कत थी, उसमें यह था कि जो एसी का कंप्रेसर था, जिसको हम जब कोई भी गाड़ी में जब एसी की प्रॉब्लम आती तो सबसे पहले कंप्रेसर देखा जाता है कि उसका कंप्रेशन ठीक है, या गैस ठंडी हो रही है, या गैस लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसको कंप्रेस कर पा रहा है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें फोक्सवैगन में कौन सा कंपोनेंट और कौन सी कंपनी का ब्रांड का लगता है, और क्या उसमें दिक्कत थी, या उसकी प्रूवन रिलायबिलिटी या पहले क्या था। तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि जो इसका एसी का कंप्रेसर था, जैसे हमें सब पता है ज़्यादातर सैंडन एक कंपनी है कार्स में, सैंडन सैंडन का ऑटोमोबाइल में सैंडन का ही चलता है, और फोक्सवैगन के जो टीडीए इंजन भी थे, बस थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क होता है, और बाकी इसमें रेफ्रिजरेंट R134A यूज़ होता है, गैस होती है, जैसे हमारे R134A जैसे रेफ्रिजरेंट आपको पता है कि हमारे R32 R410 ये रेफ्रिजरेंट हमारे घर के यूज़ के लिए, बट जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की गैस होती है इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो R134 से उसका ग्रेड है, ये उसका ग्रेड है, मतलब रेफ्रिजरेंट का टाइप है, तो अराउंड 0.5 किलो के करीब रेफ्रिजरेंट रहता है, उसमें इतनी गैस रहती है, 500 ग्राम गैस लीक होगी ये गैस होती है, 500 ग्राम टू 600 ग्राम ये रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी जो सर्कुलेशन में रहती है। तो एसी का जो ब्रांड सैंडन जो होता है यूज़, तो टीडीएस में भी था, टीएसआई में भी है, बस थोड़ा वेरिएंट का फ़र्क है, तो ब्रांड में उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सैंडन ही फोक्सवैगन यूज़ करती है, ठीक है, बस ये होता है कि इंजन के हिसाब से टीडीएस में अलग रहता है, क्योंकि आरपीएम आपको पता होगा कि पेट्रोल में आरपीएम ज़्यादा रहते हैं, डीजल में कम रहते हैं, तो उसी हिसाब से वेरियंट्स डिफरेंट होते हैं, बट ब्रांड एक ही होता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि कूलिंग का जो इशू था, कंप्रेसर में कोई दिक्कत थी नहीं, कंप्रेसर वही था, जो कूलिंग की दिक्कत आती थी वो होता था कि कंप्रेसर ट्रिप कर जाता था, ट्रिप करता था, मतलब अगर आप हाईवे में जा रहे हो तब तो कोई कूलिंग का दिक्कत है नहीं, क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है बिल्कुल। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कंप्रेसर चलता कैसे है, उसको ट्रिगर ऑन ऑफ क्या चीज़ करती है, और वो बंद क्या क्यों होता है, और चलता कब है। ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों ने बम्पर टू बम्पर, हाँ मैं उस पर बात करूँगा। सुंदर जी मैं एक चीज़ फोक्सवैगन पे आने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ये फर्स्ट टाइम कोई कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये शेवरले में भी थी, अच्छा क्रूज़ में और ऑप्टरा मैग्नम में ये थी, अच्छा। तो ऑप्टरा मैग्नम में भी जब आप क्रॉल करते थे, क्या होता है ना सुंदर जी भी, जब हम क्लच को डिसएंगेज करते हैं, जब गियर में गाड़ी लेती है, तो इंजन होता है आइडल आरपीएम पे,
आइडियल आरपीएम जो लोड पड़ता है तो उसके आरपीएम थोड़े से 40-50 ड्रॉप होते हैं। अच्छा, तो जो कंपनीज होती हैं उन्होंने उसकी बीसीएम में प्रोग्रामिंग इस हिसाब से कर रखी होती है, क्योंकि कंप्रेसर में होता है क्लच, जो पुली क्योंकि ऐसा होता है कि चलता मैकेनिकल है इंजन से कंप्रेसर, उसके क्लच को कंट्रोल करता है कि कंप्रेसर कब कंप्रेस करेगा, हवा कब घूमेगा, वो करता है क्लच, वो होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकली उसको बीसीएम से ट्रिगर मिलता है अंदर वाले टेम्परेचर के हिसाब से वो करता है। तो उसकी एक होती है सर सेटिंग कि इतने सेटिंग पर अगर इंजन के आरपीएम हो गए तो ये चलेगा, अगर इससे कम होंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, आइडियली क्या होता है कि अगर सपोज फोक्सवैगन में जो टीएसए इंजन है उसका आइडियल आरपीएम है सपोज 780, जब हम सुबह स्टार्ट करते हैं थोड़े से ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें प्री बर्नर फ्यूल प्री बर्नर चल रहा होता है उस टाइम पर फ्यूल को गर्म करने के लिए, ताकि ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर जल्दी पहुंच जाएंगे बाद में थल्ले आंधी जी। तो 480 सपोज आइडियल आरपीएम है, और कंपनी ज्यादातर क्या करती हैं कि उसको करती हैं कि ये 770 से अगर नीचे जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, मतलब स्टार्ट होगा 770, मतलब आप मान के चलिए कि उसका मार्जिन रहता है 10-15-20 आरपीएम जी। तो शेवरले में भी यही था, जब इंजन क्रॉल करता था लोड पड़ता था आइडल पे उसके आरपीएम ड्रॉप होते थे 30-40, और वो कंप्रेसर की जो टॉलरेंस वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होता था उससे नीचे आता था और क्लच डिसएंगेज हो जाता था और कंप्रेसर बंद हो जाता था। अब टीएसआई में ऐसा क्यों हुआ, मेनली थ्री सिलेंडर में और आपके टॉर्क कन्वर्टर में यही ज़्यादा दिक्कत। बिल्कुल, टॉर्क कन्वर्टर 1.5 में नहीं है जी, 1.5 में नहीं है जी। और इसका लोगों को ये वहम या वहम नहीं, एक सेंस भी बनती है इस चीज़ की भी कहीं इंजन की डिस्प्लेसमेंट जो नहीं, ऐसा नहीं, उस पर इंजन डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है बट ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर या कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर मैं बात बताता हूँ क्या है कि 1.0 में क्यों थे, 1.5 में क्यों नहीं थी। अब देखिए सुंदरदीप जी, की आइडल पे तो कोई टर्बो नहीं काम कर रहा होता, आइडल पर तो जो उसका सीसी है जो तीन सिलेंडर चल रहे वही हैं, तो उस टाइम पर जब गाड़ी उठती है तो जो उसकी मसल पावर है जो सीसी है उसी टाइम वही काम आती है। अब ऑब्वियसली 1.5 में मसल पावर ज़्यादा है, सीसी ज़्यादा है, तो वो जब गाड़ी चलनी शुरू होती है तो वो झटका झेल लेता है और आरपीएम ड्रॉप नहीं होते। जो थ्री सिलेंडर होते हैं उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली अब कहाँ तीन सिलेंडर काम कर रहे हैं और कहाँ चार सिलेंडर काम कर रहे हैं और 500 सीसी का भी फर्क है, तो वो क्या करेगा उसको थोड़ा सा गिराएगा आरपीएम को। इशू क्या था कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आरएनडी में कोई दिक्कत थी, कुछ थी, क्योंकि वैसे तो एक्सटेंसिवली काम होती है, बट एक जो रियल टाइम में जब कोई प्रोडक्ट मार्केट पर निकलता है तो असल में उसकी एफिशिएंसी और उसकी आपकी कंपेटिबिलिटी रोड के हिसाब से और उसकी रिलायबिलिटी निकल के आती है जब गाड़ी रोड पर चलती है रियल टाइम कंडीशन में, क्योंकि उस टाइम पर आपके जून जुलाई में भी जब हमारे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 45 ऊपर जाता तब भी चलेगी, पांच लोगों के साथ लगेज के साथ चलेगी। तो वो आरपीएम को गिराने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि गाड़ी में लोड कितना है और बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। इशू दोस्तों कुछ नहीं था कि जो 20 आरपीएम का जो टॉलरेंस की थी कंप्रेसर के स्टार्ट होने की, इंजन के आरपीएम उससे नीचे आ जाते थे जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी आइडल आरपीएम पर जब मूव करती थी टॉर्क कन्वर्टर में, आरपीएम नीचे गिरता था, कंप्रेसर ट्रिप हो जाता था। कंप्रेसर ट्रिप हो गया मतलब कंप्रेसर आपका बंद हो गया, रेफ्रिजरेंट ने कंप्रेस होना बंद कर दिया और आपकी कूलिंग सिस्टम आपका स्टॉप हो गया, सिर्फ फैन चल रहा है जी। इसकी वजह से गाड़ी कूलिंग नहीं करती थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहली बात आप ये सोचिए, कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी एल्गोरिदम में, एल्गोरिदम उनकी जी। मैं मानता हूँ कि वीएजी ग्रुप को रियल टाइम में इसको लॉन्च करने से पहले ये चीज़ देखनी चाहिए थी, बट अगर ये प्रॉब्लम होती कंपोनेंट की या रिकॉल होता तो मैं आपको कहता कि ये इशू है या कंप्रेसर में दिक्कत थी, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एल्गोरिदम की दिक्कत थी। गाड़ियाँ बहुत अच्छे से टेस्ट हुई हैं लॉन्च होने से पहले, ये कुछ बताते भी अभी एक्स वाई जी नंबर के इतने किलोमीटर हमने गाड़ी चलाते हैं। इंडिया में दो तीन स्टेट्स अगर छोड़ दें या नॉर्थ रीजन को आप छोड़ दें, बाकी जगह गर्मी ही रहती है, या खास करके अगर हम मध्य प्रदेश नीचे रहें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तो अभी भी मुझे लगता है कि 35-36 डिग्री होगा। टेस्टिंग में इनको फील नहीं हुआ होगा कि यार दिस कार इज नॉट एज गुड एज होंडा सिटी या वर्ना या ये सब, क्या क्या सर? एक्चुअली ये था कि मास लेवल पर जो 1.0 टीएसआई जो टर्बोचार्ज इंजन था ये पहली बार ही आया था ऐसे ज़्यादातर, तो वैसे तो टेस्टिंग तो होती है ऑन रोड, जब हम देखें कैमरा फ्लाज में हम देखते ही हैं कि गाड़ियाँ वो होती हैं टेस्टिंग में होती हैं, बट मैं थोड़ा सा ब्लेम डालूंगा ब्रांड के ऊपर कि ये जो बाद में एक्नॉलेज हुई है या निकली है ये पहले होनी चाहिए थी। एक्जैक्टली, है ना। देखिए हमें और थोड़ा सा एथिक्स पर ही रहना चाहिए कि मैं अब ये बोल दूँ
कि फोक्सवैगन ने गलती नहीं की, वो गलत है क्योंकि ये ऑडियंस भी ये चीज़ सुननी नहीं चाहेगी। अगर मैं ये बोल दूंगा जी नहीं ये तो कोई इशू नहीं था ऐसे ही था, तो वो गलत है, फिर मेरी भी क्रेडिबिलिटी आपकी भी क्रेडिबिलिटी जाएगी। बिल्कुल सही। हाँ, गलती हुई उसको एल्गोरिदम को सेट करने की, शायद एक्सटेंसिवली रियल टाइम जो ड्राइविंग रहती है गर्मी में उसमें RDE में नहीं, उस हिसाब से उस एक्सट्रीम्स में उसको नहीं टेस्ट किया गया एक्सट्रीम क्या। अब मुझे नहीं पता कि उसके क्राइटेरिया क्या है फ्यूल इकोनॉमी निकालने का और इसकी परफॉर्मेंस को कंप्यूटर टेस्ट करने का, वो हम कह नहीं सकते। बट हुआ क्या कि जब गाड़ी मार्केट में आई, 5 लोगों के साथ जब चली, मोर देन 40 डिग्री चली, दिक्कत आई थी, था कुछ नहीं, नथिंग टू डू विद द कूलिंग सिस्टम, सब ठीक था, कंप्रेसर ठीक था, कूलिंग कॉल वगैरह वो जो 15-20 साल पहले आती थी वही आती हैं, वो मतलब AC टेक्नोलॉजी तो वो सभी गाड़ियों में आप चाहे। ब्रांड कौन सा बोला आपने? सेंडन। सेंडन ठीक है, सेंडन के कंप्रेसर यूज होते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी हुई प्रॉब्लम। तो दोस्तों पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये कोई कम दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी एल्गोरिदम में, क्योंकि हमें पता हो पता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इंजन को और ड्राइव को कंट्रोल करता ECM, एक सेकेंडरी कंप्यूटर होता है BCM, बोर्ड कंट्रोल मॉड्यूल। बोर्ड कंट्रोल मॉड्यूल जी, ओके। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज जर्मन कार में डिसेंट्रलाइज होता है सिस्टम जी, तो ECM ड्राइव रिलेटेड ट्रांसमिशन को और इंजन को संभालता और BCM संभालता ऑन बोर्ड वो। तो BCM में ही ये सारी कोडिंग एल्गोरिदम होता है, कोड्स होते हैं कि कंप्रेसर कितने पर ट्रिप होगा, इंजन के आइडियल RPM क्या होगा, बट एक डिजिटल फॉर्म में डेटा और जब रियल टाइम में काम करता है तो वहाँ पर जब मिसमैच होता है तो ये दिक्कत आती है। ओके। होता कुछ नहीं था, वही मैंने आपको बताया कि 20 का वो टॉलरेंस रखते हैं, RPM 30 to 35-40 ड्रॉप हो जाते थे कंप्रेसर। आपको भी पता है कि एक बार अगर कंप्रेसर ट्रिप हो गया तो उसको दोबारा उतना गैस का प्रेशर बनाने में उसको टाइम लगता है कि आप किक डाउन द्वारा रन डाउन इसको हम रन डाउन बोलते हैं कि रन डाउन होने में और उस कंप्रेसर, क्योंकि ये इट्स लाइक ए 0 and 1 जैसे बाइनरी में होता है, या तो पूरा कंप्रेसर कंप्रेशन है या तो नहीं है। जैसे ही AC कंप्रेसर बंद हुआ कूलिंग खत्म, क्योंकि वो उसी टाइम पर रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता जी। तो उसको लिक्विड फॉर्म में आने में पूरा सर्कुलेशन में आधा किलो रेफ्रिजरेंट को आने में उसको 30 to 40 seconds लगते थे। अब आप ट्रैफिक में क्रॉल कर रहे हो, उतनी देर में दोबारा फिर से ट्रिप कर गया तो वो ट्रिप करता था रेफ्रिजरेंट कंप्रेस नहीं होता था और वो गर्म हवा और AC फेलियर बोल सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कंपोनेंट की दिक्कत नहीं थी, अब आई थिंक समझ आ गया। अब देखिए जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी हुई है ये हुई है कि कंपोनेंट्स वर परफेक्टली ऑल राइट, जो पहले यूज हो रहे थे वही हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं मेरे, निकल के आते हैं इसी में से। मतलब क्वालिटी और ब्रांड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कंप्रेसर में और उसमें। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ निकल के आते हैं क्योंकि एज अ कंज्यूमर मैं अगर लेमैन में बात करूं, अगर हम 1.0 देखिए टर्बो इंजन है ना, जैसे इनके TSI हैं वैसे इनके टर्बो इंजन है, वेन्यू में I20 में और वर्ना में इनकी कूलिंग बोन चिलिंग मानी जाती है, उनके भी कैबिन्स की स्पेस जो है वो कम नहीं है। इसमें कहीं ये बहुत लोगों का प्रश्न भी था कि 1.0 की जो कैपेसिटी होती है, जैसे इसकी AC हम जो घर वाले होते हैं इसको टन में देखते हैं, तो कहीं वही पोलो की कैपेसिटी वाले टाइगून जैसी खुली गाड़ी में या वर्टस या स्लाविया में तो नहीं लगे हुए? नहीं, ठीक है। और लास्ट, लेमैन को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि अभी रेजोल्यूशन इसका जो है प्रोवाइड कर दिया गया है, बिकॉज़ दे आर वेटिंग कि जैसे ही नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ेगी 42-45 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा तो कैसे जो है नया रेजोल्यूशन जो दे रहे हैं, ये अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आई, मेरी सही भी है जिनको आई है उनके फिक्स कर दिए गए हैं। तो इज दिस प्रॉब्लम सॉल्वड, और कि फिर बाद में ऐसा ना हो कि कुछ चर्चा इसकी फिर से। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम कंपोनेंट में या कोई पार्ट फेलियर में या अंडर परफॉर्मेंस की नहीं थी, एक एल्गोरिदम में चेंज करना था जो RPM एक सडन RPM से नीचे जाता था और कंप्रेसर की टॉलरेंस जहां पर शुरू होती थी, जहां से वो चलना शुरू होता था, क्लच एंगेज होता था वहां पे जब ट्रिप करता था वो नीचे जाता था ट्रिप करता था जी। अब कूलिंग ऑब्वियसली, अब जब कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा, हम घर का भी अगर हम AC नॉर्मल रूम AC को अगर बार बार ट्रिप करवाएं उसको तो वो नहीं ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सही। अब इसमें जर्मन्स में क्यों प्रॉब्लम आई है और जैपनीज में, जैसे आपने या कोरियंस में आपने बताया कि उनके चिलिंग क्यों है, तो सुंदर जी एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक ये काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है बट जिनके पास वो वाली गाड़ियां हैं या ये गाड़ियां हैं और डिफरेंस बता सकता हूँ आपको मैं,
इसमें एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी कि जैपनीज और कोरियन एक तरफ और जर्मन से जितने भी हैं, चाहे वो मर्सिडीज हैं, चाहे वो बीएमडब्ल्यू हैं, चाहे वीएजी ग्रुप हैं, सबसे ज़्यादा कम आइडल आरपीएम है इनके जर्मन इंजन के। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आइडल आप चाहे टीडीएस उठा लीजिए, आप चाहे टीएसआई उठा लीजिए, चाहे वो स्टार्टिंग में जब प्री बर्नर चल रहा होता है उस टाइम पर आरपीएम 1000 रहते हैं, बट वो 800 आरपीएम से नीचे वो सेटल हो जाती है आइडल आरपीएम। अच्छा, आपने भी नोट किया होगा कि इसका आइडल आरपीएम 800 से नीचे है, थोड़ा सा नीचे, हाँ वो 800 ही होता है अराउंड, टिपिकली बिटवीन 700, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 760 to 790। अब उसमें डिपेंड करता था कि एसी जब चल रहा है तो वो थोड़े से 5-7 आरपीएम कम हो रहते हैं, ऑब्वियसली अब एसी का भी लोड है खुद का तो वो आरपीएम को गिराएगा, ठीक है, वो फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स, बिल्कुल बिल्कुल, तो जब लोड पड़ेगा तो आरपीएम गिरेंगे, हाँ जी, बट उसको ईसीयू कंपेंसेट करता है एक्स्ट्रा फ्यूल डिलीवरी से। मतलब मेन रीजन ये है कि जो हम 1.0 जीडीए के साथ में अगर मैं बता रहा हूँ, जहाँ इवन मारुति के जो के सीरीज इंजन है, आप जिनके पास गाड़ियाँ हैं आप उसके देखिए उनके आइडल आरपीएम कितने हैं, तो वो 800 से ज़्यादा ही हैं, कम से कम नहीं तो 100 से 120 आरपीएम का फ़र्क है। अब ये आरपीएम में खर्चा क्यों डाला गया दोस्तों, मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने जैसे आपने वेंटो की वीडियो देखी, 3.5 लाख मैंने चलाई है, फिर मैंने 2 लाख पोलो चला दी, 5.5 लाख किलोमीटर मैं चला के बैठा हूँ जर्मन इंजन, और ये इस फैक्ट को कोई डिफाई नहीं कर सकता कि इनसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन कितने हैं नहीं। उसके वजह से बहुत सारे एल्गोरिदम, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो यूज़ की हुई हैं, जो हमने पहले भी बात की, उसमें से एक चीज़ ये था कि जो आइडल आरपीएम पर जब गाड़ी आप आइडल करके बैठे हैं या ट्रैफिक में बैठे हैं उस टाइम पर मिनिमम टू मिनिमम फ्यूल सिप करे गाड़ी, उसके लिए फोक्सवैगन ने जो उसके आइडल आरपीएम है चाहे टीएसआई, एमपीआई, टीडीआई, वो 800 से कम रखे हुए हैं, जो कि किसी और ब्रांड में है नहीं। अच्छा, यस, दिस इज अ फैक्ट और इट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो जिनके पास भी हैं आप उसके आइडल आरपीएम देखिए, जब एक अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर जब 60 डिग्री क्रॉस कर जाती है तो वो 800 से नीचे वो सेटल हो जाती है। अब आप इसके कंपटीशन में कोई भी गाड़ी उठाइए, आप उसके आरपीएम देखिए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क लगेगा। पर ऑब्वियसली अगर 100 से 140 आरपीएम का आइडल का फर्क है तो इट मीन्स कि इंजन इज स्पिनिंग अराउंड 15-20% लेस एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर, विच रिजल्ट्स इन बेटर फ्यूल इकोनॉमी और कम फ्यूल सेव करेगा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। दोस्तों यही रीजन था, मानेंगे, मेरे पास अभी मैंने रिसेंटली 60 मैंने लिए, इस पे आएंगे, हाँ इस पे आएंगे, अभी मैंने रिसेंटली 60 बाय की है, ठीक। अब 1.6 TDI मैंने चलाया, वो बंपर टू बंपर ट्रैफिक में 15-16 की एवरेज देती, क्योंकि उसके आइडल की आरपीएम बहुत कम है, तो मैं इवन सेकंड गियर में भी उसको स्लॉट करके मैं उसको उठा लेता था। 2.0 TDI अब 60 में 2.0 TDI आपने 1.6 वेंटो में 1.6 सॉरी, मतलब कि आप कोई भी इनके इंजन उठा लीजिए, ये बंपर टू बंपर ट्रैफिक में वर्स नहीं जाते। उसके पीछे रीजन ये है कि इनके आइडल आरपीएम बहुत ज्यादा कम है, ये फैक्ट बता रहा हूँ। आप जिसने अगर क्रिटिसाइज भी करना होगा, आप उसके टूल आता है आपका ELM 327, जिसने ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करनी है तो नीचे जो OBD पोर्ट रहता है 800 का आपको टूल मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो टेक्निकल अगर इसको काउंटर करना चाहेंगे, आप ELM 327 टूल लगाइए, उसको आप ब्लूटूथ के साथ अटैच करिए, आप आइडल आरपीएम निकाल के देखिए, तो आपको VAG ग्रुप की जितनी TSI, TDI और आपके इवन MPS का थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि उसमें टर्बो नहीं रहता, तो आपको आइडल आरपीएम 800 से कम ही मिलेंगे, विच इज द लोएस्ट इन द सेगमेंट और इन द ब्रांड। ओके, एक कस्टमर को गर्मी लग रही है, उसको इस चीज के साथ कुछ लेना देना नहीं है, नहीं है, हाँ जी, मैं उस पर आऊंगा। अब चलो मैं पूरे IO माई एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, टेस्टिंग में गलती हुई इनसे, प्रॉब्लम थी एल्गोरिदम में, मेरा जो भी मैंने 10 मिनट बोला है मैंने आपको ये बताया, कंपोनेंट की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कहाँ थी, कैसे ये रेकोगनाइज हुई, इसका फीडबैक गया और ब्रांड ने क्या किया, इसके ऊपर हम अभी 5 से 7 मिनट बात करेंगे, बिल्कुल रेजोल्यूशन जी। अब मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि दिक्कत थी आइडल आरपीएम पर जी, और उसके जो कंप्रेसर जो ट्रिप स्टार्ट होता था, क्लच जहाँ पे एंगेज होता था, हाँ जी, वो 20 RPM का फर्क था, जैसे ही RPM नीचे आते थे वो डिसएंगेज हो जाता था और कंप्रेसर ट्रिप कर जाता था, कूलिंग नहीं मिलती थी। अब रियल टाइम फीडबैक और कंप्लेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया से आई हैं उस पर फोक्सवैगन को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, कोई कंपोनेंट नहीं चेंज हुआ। जो दोस्त जो आपके व्यूवर्स देख रहे होंगे जिनके पास ये थी वो अगर लेके गए हैं उसमें फोक्सवैगन ने किया क्या, मैं अब आपको वो बताऊंगा एग्जैक्टली किया क्या, एग्जैक्ट डेटा बताऊंगा, ये आपको कहीं से मिलेगा नहीं। उन्होंने BCM को रीमैप किया जी,
BCM को बोर्ड कंट्रोल मॉड्यूल को प्रोग्रामिंग को चेंज किया, इंजन ECU को उन्होंने नहीं छेड़ा, क्योंकि जो BCM है वही इसके जो ऑटो AC क्लाइमेट्रॉनिक है उसको वो रेगुलेटर और पावर देता है, वोल्टेज उसकी देता है और जो भी इसकी प्रोग्रामिंग है वो BCM में स्टोर्ड है। Volkswagen को ज्यादा सा कुछ नहीं करना पड़ा, उनको ये पता चल गया कि रियल टाइम में ये कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है। अब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इंजन का आइडल RPM को बढ़ा दें, हाँ जी, जो टॉलरेंस 20 RPM की थी उसको ले जाए 60 पर, बिल्कुल, और वो भी ज्यादा वेग हो जाता, क्योंकि अगर आइडल RPM 800 से ऊपर चले जाते तो गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी हट होती, हाँ जी, या वो कंप्रेसर की जो क्लच एंगेज होने के RPM की जो टॉलरेंस लिमिट थी या उसको कम कर देते और, ताकि अगर RPM 20-30 गिरता भी है तो वो क्लच, अब उसमें दिक्कत ये थी कि उसका कंप्रेसर का इतना प्रेशर और इतना वो कंप्रेशन ना बनता कि कूलिंग सही से होती। Volkswagen ने निकाला मिडल पाथ। अब उन्होंने किया क्या दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ फैक्ट है, आप जाइए नेट पर, शायद आपको ना मिले, बट बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ सुनने के बाद अगले 4-5 मिनट में सभी कन्विंस हो जाएंगे इशू क्या था और ये कैसे Volkswagen ने रिजॉल्व किया। उसके लिए Volkswagen ने BCM को रीमैप किया। रीमैप मैं शब्द इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब आप एक कोड को चेंज करते हैं तो डैट इज कॉल्ड रीमैप। उसकी जो AC का जो आपका एल्गोरिथम था, Volkswagen ने क्या किया, 25 RPM आइडल को बढ़ाया, मतलब कि एक चीज इसको बढ़ा दिया और एक चीज इसको कम कर दिया। हाँ जी, 25 RPM आइडल RPM जो 760 टू 765 थे उसको उन्होंने कर दिया 785 टू 790, थोड़े से उन्होंने आइडल RPM को बढ़ा दिया। अब जिन लोगों ने ये Volkswagen में या कुछ एक सॉरी स्कोडा में गए होंगे उन्होंने देखा होगा थोड़े से आइडल RPM बढ़े हैं, उससे वो भी बढ़ा दिया और 15 RPM उसके कम कर दिए कंप्रेसर के क्लच को एंगेज होने के थ्रेशहोल्ड को। उससे क्या हुआ कि 50 RPM का बैंड एक मिल गया, एक्स्ट्रा कुछ मिल गया जो कि था 20 जी। अब जितना मर्जी लोड बढ़े कुछ भी हो तो अब 50 RPM तो गिरने से रहे, हाँ जी, RPM गिरेंगे 25 टू 30, हाँ जी, फिर भी 20 मार्जिन था। अब हुआ क्या उससे कि जो BCM को रीमैप किया, आइडल RPM 25 का मार्जिन दे गया, 15 से 20 उन्होंने कंप्रेसर का कम कर दिया, 40-50 चला गया। अब ये प्रॉब्लम होगी सॉल्व। अब कंप्रेसर क्या था, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई परफॉर्मेंस का नहीं किया, कुछ गैस नहीं चेंज किया, रेफ्रिजरेंट नहीं चेंज किया, कोई कंपोनेंट नहीं चेंज किया। OPD के साथ उन्होंने वास ओडिस लगाया, Volkswagen एनालिस्ट सॉफ्टवेयर, जो पीछे से प्लांट से फिक्स आया था, BCM का रीमैप आया था जिसने की प्रोग्रामिंग और कोडिंग चेंज की, कंप्रेसर की क्लच की एंगेजमेंट का थ्रेशहोल्ड प्लस इंजन का आइडल RPM को छेड़ा, वो जो गैप था एक बैंड था उसको वाइड कर दिया थोड़ा सा, 45 टू 50 कर दिया। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि वो 45 है कि 50 है, मुझे इतना पता है कि उसको डबल कर दिया, बैंड मिल गया हमें, बैंड मिल गया। अब उतना तो उतने RPM ड्रॉप हो और ना कंप्रेसर ट्रिप करे। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरा ये पॉइंट सुनने के बाद आप जाइए Volkswagen के जाइए, मैं चैलेंज वर्ड दोस्तों नहीं मिलेगा क्योंकि आप भी हमारी फैमिली की तरह ऑडियंस है, मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रेंड फोए कुछ नहीं है, सब एक न्यूट्रल, हम भी न्यूट्रल बैठे हैं। यू कैन आस्क देम, मैं यस मैं बात करूंगा, अगर कमियां होंगी हम उस पर बात करेंगे, हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि इनकी सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं उस पर बनाएंगे। बट AC की जो बात उड़ी है, उठी है, सामने आई है, प्रॉब्लम थी क्या, हमने उस पर भी बात की, उसको रेक्टिफाई कैसे किया हमने उस पर बात की, बिल्कुल। इसको वेरीफाई करने के लिए आप जाइए, जो MT होंगे, MT होते हैं मास्टर टेक्नीशियन, MT आप उनसे बात करिए, वो आपको ये बताएंगे कि आइडल RPM थोड़े से बढ़ाए गए हैं और कंप्रेसर को ट्रिगर पॉइंट जो है उसका उसको कम किया गया है, तो अब कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता। अब दोस्तों अब आप समझ गए होंगे टेक्निकली कि वो कंप्रेसर ना ट्रिप करेगा अब, ना किया और ना ये कूलिंग की अब दिक्कत आएगी, क्योंकि कंप्रेसर अपना स्पिन करता रहेगा, कूलिंग रेफ्रिजरेंट का फ्लो बना रहेगा, कंप्रेशन बना रहेगा और अब ये ड्रॉप नहीं होगा। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं थी टेस्टिंग में, जो उनसे कमी रहेगी या जिस चीज पर नहीं ध्यान दिया गया देना चाहिए था, या इन्होंने लाइटली लिए, लाइटली लेते नहीं है। अब मुझे नहीं पता, देखिए सर, अब मुझे ब्रांड लेवल पर क्या बात है वो उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। इशू आया, उस पर काम किया, उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना, उसका उसको डाला गया, अपडेट किया गया और प्रॉब्लम को उसको रेक्टिफाई कर दिया गया। मतलब कि ऑन, मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड में आपको बोल रहा हूँ कि ये दो चीज़ों पर काम किया है, तो किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट फेलियर, कंपोनेंट की इनफीरियोरिटी, कंपोनेंट की खराब क्वालिटी, अंडर परफॉर्मेंस, कॉस्ट कटिंग, ऐसा कुछ नहीं था।
तीन चार ब्रांड ही हैं कंप्रेसर के, ज़्यादातर इंडियन मार्केट के लिए, जो यूरोप के जो सदर्न है और हमारा एशिया सब पैसिफिक है, नॉर्थ अमेरिका साइड नहीं okay. उस पर और रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम उनके ट्रॉपिकल कंडीशंस को कंपेयर नहीं कर नहीं सकते, सकते ज़्यादा सेंडन ही यूज़ होता है तो बस वो थे कंपोनेंट था जिनको फिक्स किया भी स्विफ्ट में भी यही यूज़ हाँ यही होता है एक्चुअली क्या होता है ना सर कि मैंने आपको बताया कि आइडल आरपीएम अब आप देखिए आइडल जब ट्रैफिक पर क्रॉल कर रहे थे हर एक गाड़ी की कूलिंग कम रहती है जैसे वो हाईवे पर उठती है उसकी कूलिंग बढ़ जाती है क्योंकि अब जितनी जल्दी कंप्रेसर जितना तेजी से स्पिन करेगा उतनी ही गैस का कंप्रेशन ज्यादा रहेगा रेफ्रिजरेंट का। प्लेसमेंट को लेके तो ना कहीं मुद्दा हो सकता है ये वाला, मतलब बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि वर्टिस के भी काफी नीचे हैं क्योंकि इनकी स्क्रीन अभी उस तरीके से लगाई गई है कि वो वेंट्स नीचे हो गए हैं। हाँ, उसका है एक्चुअली, हाँ, 1.2 एमपीए जो है मेरा उसकी भी कूलिंग मेरी भाई की एलईडी आई 26 कोई अच्छी नहीं है बट बुरी भी नहीं है मेरी कार की कूलिंग, बट उसके क्योंकि एसी वेंट्स मेरे चेहरे पे रहते हैं तो द मोमेंट एसी इज वर्किंग ना तो आई फील कि हाँ यार मेरे हवा लग रही है। उसके पीछे एक फिजिक्स का एक समय लाता है, हमने देखा होगा। सुंदर जी आपने एक चीज देखी है कि जब हम रूम का एसी भी इंस्टॉल करवाते हैं तो वो एक ऑप्टिमम हाइट 4-5 feet ही प्रेफर करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो हॉट एयर होती है वो राइज करती है ऊपर और कोल्ड एयर नीचे रहती है वो ठंडी रहती है और वो नीचे बैठती है। बिल्कुल। तो अगर रूम एसी की भी अगर प्लेसमेंट ऑफ वेंट या सक्शन उसका अगर गलत होगा, चाहे वो ज्यादा ऊपर चला गया चाहे वो ज्यादा नीचे चला गया, तो उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। जी ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मैं टेक्निकली बात नहीं करूंगा, मैं कोई फिजिक्स का स्कॉलर नहीं हूं, बट आपने जो प्लेसमेंट की बात की है इससे एक चीज मैं उसको वो लिंक कर सकता हूं कि एज वी से कि जो कोल्ड एयर है वो नीचे बैठती है, ऑब्वियसली जो वेंट से हवा आ रही है दैट इज कोल्ड वो नीचे रहेगी और वो रहेगी नीचे सेटल होगी और हॉट एयर रहेगी ऊपर। अब मुझे नहीं पता, वैसे हम इसको बहुत लाइट वे में दोस्तों इसको आप काउंटर मत करिए, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। एक सुंदर आपने एक पॉइंट नोट किया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता क्योंकि फिर उसको सारा केबिन कूल करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। आप वही चीज नहीं, अब ऐसा ना उसमें क्या रहेगा कि अब जो कोल्ड एयर है वो अगर नीचे बैठ रही है होने की वजह से या बट मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ब्रांड कोई भी ब्रांड है वो ये अगर... कमेंट्स आए हैं ऐसे, मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा कमेंट्स आए हैं, ऐसे कमेंट्स आए हैं कि यार हमारे मतलब दे आर जस्ट सेइंग कि वेंट्स की प्लेसमेंट इज नॉट करेक्ट। दोस्तों फिर ऐसा है कि देखिए ये तो अभी का भी मेरी स्क्रीन आई लेवल पे है जिस लेवल पे मेरा वो स्टीयरिंग और वो रहते हैं डायल्स, लेफ्ट में स्क्रीन है जी, उसके नीचे वेंट्स है। अब उसको ठीक है आप ऊपर कर सकते हो बट एक सीधा होने में और नीचे से ऊपर लाने में हवा वेस्ट हो। सुंदरदीप जी ऐसा है कि ये तो अब फिजिक्स का लॉ तो कोई नहीं चेंज कर सकता कि कोल्ड नीचे जाएगी। हाँ, बिल्कुल। अब वेंट्स की प्लेसमेंट नीचे है, हवा नीचे बैठ रही है और जो वार्म एयर है जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो ऊपर आ रही है जिसकी वजह से हमारे सर के ऊपर के लेवल या फेस के लेवल तक हमें उतना नहीं फील होता टेम्परेचर। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर ऐसा है मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जब इकोनॉमिकली और डिजाइन होती है गाड़ी इंटीरियर डिजाइन होता है इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। और मैंने किया सेल्टोस के अलावा उसका भी वही चीज है कि वो आपको जैसे मालूम है कि स्क्रीन और वो इंटीग्रेटेड वो हाँ इंटीग्रेटेड उसके अलावा जितनी मैंने मॉडर्न गाड़ियां देखी हैं जी क्रेटा या हुंडई की सभी गाड़ियां महिंद्रा की टाटा की नेक्सॉन नहीं उनके एसी वेंट्स को आपकी जो हेड है उसके ही सामने रखा गया है। हाँ जी उसके लेवल पे रखा गया है, बाकी नेक्सॉन का नीचे है और एक मुझे सेल्टोस का भी लगा कि उसके नीचे है बट इनका ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बट जैसे आपने बोला कि अभी हमें वो बैंड मिल गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो साउथ इंडियन देखिए ट्रिपिंग का इशू था सुंदर जी, साउथ इंडियन जो हमारे दोस्त है कुछ कर्नाटका में भी अभी गर्मी पड़ रही है, अभी तमिलनाडु में पड़ रही है, अभी केरला में पड़ रही है तो पहली बात तो उनको देखिए हिंदी का भी थोड़ा सा इशू रहता है तो आई मुझे लगता है कि इसमें कैप्शन नहीं मुझे इसमें मैं कैप्शन जो है डलवा दूंगा, इसको मैं ट्रांसलेट करवा दूंगा बट हो सकता है कि अगर उनको समझ में आ जाए तो दे कैन टेल अस कि हाँ हमें फर्क पड़ा है अभी बम्पर टू बम्पर, क्योंकि चेन्नई जैसे शहर में बम्पर टू बम्पर में पता चल जाएगा डिफरेंस, पता चल जाएगा एक दिन में पता चल जाती है कि यार मैंने फिक्स आपको बता दिया क्या ऐसी सर्विस हम करवाते हैं जब तुरंत फर्क पता चल जाता है कि यार अभी सही लेट कट। दोस्तों अब आप मैं आपको एक लाइव एक एग्जांपल के साथ आपको मैं कर पाऊंगा, वो जैसे पोलो में हमारे बिल्कुल चेहरे के ऑलमोस्ट सामने है। ओए होए यार अब बड़ा काम खराब है, कोई गल नहीं ओ कोई नहीं पॉज करता।